हेलो डियर स्टूडेंट्स, इसके पहले वीडियो में हमने देखा था कि किस तरह से हमें स्क्वायर में सर्कल, ट्रायंगल, रेक्टेंगल, फ्लावर्स के शेप्स एंड रिदमिक लाइन, ये सब यूज़ करके डिज़ाइन ड्रॉ करना आता है। पार्ट्स किस तरह से इक्वल बनाने, ये हमने अच्छी तरह से सीख लिया है। अभी इसकी कलरिंग करनी हमें सीखना है। देखिए, जिस तरह से हमने ये ग्रेडेशन स्केल पोस्टर कलर्स के साथ किया, लाइट टू डार्क, लाइट, मिडल एंड डार्क, उस तरह से अभी हम ऑयल पेस्टल से सीखने वाले हैं। तो ये तो अभी थोड़ा हाफ में है, मैं आपको स्टार्टिंग से बता देती हूँ किस तरह से करना है आपको। सबसे पहले आपको जिस भी कलर का शेडिंग करना है उस कलर को ले लीजिए। मोस्टली अगर डार्क कलर आप हाथ में लेंगे तो वो बेटर रहेगा। अभी हम सबसे पहले ये जो रैंडम मैंने एक बॉक्स रेक्टेंगुलर बनाया है ताकि मैं लाइट टू डार्क जा पाऊँ, इसमें मैंने जो कलर लिया इसको मैं एकदम एंडिंग में होल्ड करूँगी ताकि इसमें ज़्यादा प्रेशर ना आए। अगर मैं यहाँ पे पकड़ूंगी तो बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता है एंड कलर डार्क इम्प्रेशन देता है। अगर मैं दूर पकड़ूंगी तो अपने आप ही क्या होगा, कलर हल्के हाथ से चलेगा। ठीक है, अब देखिए, सबसे पहले मैं लाइट से स्टार्ट करूँगी एंड डार्क तक जाऊँगी। दूर कलर पकड़ के जस्ट एक हल्के हाथ से रैंडमली मैं स्क्रिबलिंग कर रही हूँ, स्प्रिंग, या उसको स्क्रिबलिंग एक अच्छा नाम है। स्प्रिंग नहीं, स्प्रिंग क्या होता है, एक के नीचे एक आ जाती है, जस्ट वन स्प्रिंग, सेकेंड स्प्रिंग, इस तरह से नहीं, हम कम ज़्यादा कर रहे हैं यहाँ पे, कम फिर से ज़्यादा फिर से कम, इस तरह से हम अगर कंटिन्यू घुमाएंगे। देखिए यहाँ पे मैंने बहुत हल्के हाथ से किया है और यहाँ इतना ही हल्का रखना है क्योंकि हमें वहाँ पे लाइट का ही इफेक्ट चाहिए। और जैसे जैसे हम लेफ्ट साइड में हम बढ़ रहे हैं, वहाँ वहाँ पे हम थोड़ा सा ज़्यादा प्रेशर देके और ज़्यादा बार घुमाना है, प्रेशर ज़्यादा डायरेक्टली नहीं बढ़ाना है, बहुत देर तक ओवरलैपिंग ज़्यादा करनी है लाइन्स की तो वो अपने आप ही डार्क होना शुरू हो जाएगा। और ध्यान रखना है कहीं पे भी हमें पार्टीशन नहीं करना है कि ये इतना डार्क है और इतना लाइट का पैच है, इस तरह से नहीं, हमें ये इस तरह से अच्छे से मिक्स होते जाना चाहिए, मर्ज होना बहुत इम्पोर्टेंट है। देखिए अभी जो मेरा कॉर्नर है इसको मैं ज़्यादा अच्छी तरह से कर रही हूँ ताकि ये एक्सट्रीम डार्क साइड है तो वो उतनी डार्क लगे, डार्क डार्क ही लगना चाहिए एंड लाइट साइड लाइट लगनी चाहिए। और यहाँ से आके मैं फिर से स्क्रिबलिंग स्टार्ट कर दिया है। ध्यान रहे कि हम थोड़ा दूर बैठ के जजमेंट करते रहे जैसे कि हम कलरिंग कर रहे हैं। हो सकता है कि एक बार डार्क की साइड हम स्टार्ट कर ले तो उतना ही प्रेशर लेके हम एंड तक जाएंगे, ये बहुत पॉसिबिलिटीज़ होती है। तो थोड़ा सा ब्रेक लेके हमें देखना चाहिए कि हम जो काम कर रहे हैं वो सही जा रहा है कि नहीं। और यहाँ पे जाते जाते आपको बहुत कॉन्शियस रहना है कि आपके हाथ का प्रेशर बराबर आराम से कम होते जाए। देखो अभी ये हमने अच्छे से डार्क से अभी हम मिडल तक पहुंच गए हैं। स्क्रिबलिंग का ये जो टेक्निक है अपने हाथ में मूवमेंट जो है वो बना रहे अच्छे से ताकि सेम टेक्निक पूरे ड्राइंग में दिखाई दे। अभी मैंने और कलर को दूर पकड़ लिया क्योंकि मैं लाइट साइड में जा रही हूँ इसीलिए। और ये ठीक करने के चक्कर में बच्चे काफ़ी बार उसका व्हाइट जो नीचे का दिख रहा है वो गवा देते हैं। ये व्हाइट ज़रूरी है जो पेपर का नीचे दिख रहा है, वैसे ही छोड़ना है हमें, इसलिए तो हमने व्हाइट कलर बिना लेते हुए इसको लाइट किया ना, क्योंकि पेपर का ऑलरेडी व्हाइट है उसको हमने व्हाइट कलर के बतौर यूज़ किया है। ठीक है,
ये एक हो गया, ये यहाँ पे मैंने ग्रीन कलर का करके रखा हुआ है आपको देखने के लिए। अब यहाँ पे जो मैंने किया था, अभी ये तो सिंगल कलर के साथ हो गया है। हमें तीन कलर्स यूज़ करके भी इस तरह से हम कर सकते हैं। अभी इसमें मैंने क्या किया है, येलो लिया है, ऑरेंज लिया है, रेड लिया है ना, लाइट, मिडल, डार्क, ये सब मैच होने वाले कलर्स है, इसलिए मैंने ये तीन साथ में उठाए हैं। अगर आपको ग्रीन भी लेना है, ग्रीन शेड, तो लाइट येलो ले सकते हो, लाइट ग्रीन ले सकते हो एंड डार्क ग्रीन ले सकते हो। ठीक है, फिलहाल यहाँ पे येलो का जो मैंने स्टार्ट किया था वो कंप्लीट करके आपको दिखा देती हूँ। यहाँ येलो से मैंने स्टार्ट किया है एंड थोड़ा सा मिडल तक गई, क्योंकि लाइट के लिए येलो है, थोड़ा सा मिडल तक चली गई मैं, ताकि दूसरा ऑरेंज भी इस तरह से उसके साथ मिक्स हो जाए, है ना। इसलिए स्टार्टिंग में बहुत हल्का हल्का हमें कलरिंग करना है। देखो, ऑरेंज एंड येलो एक के ऊपर एक मिक्स हो रहा है। जिस तरह से मैंने येलो को मिडल तक लाया, मतलब ऑरेंज के पार्ट में भी लाया, उसी तरह मैं ऑरेंज को थोड़ा सा येलो के ऊपर एंड थोड़ा सा रेड के ऊपर भी लेके जा रही हूँ, ताकि दोनों कलर एक साथ अच्छे से मिक्स हो जाए। ये ना लगे कि ये रेड का पार्ट है, ये ऑरेंज का है एंड ये येलो का, इस तरह से सेपरेट करना नहीं आना चाहिए, अच्छे से वो मिक्स हो जाने चाहिए। अब मैं यहाँ से क्या करूँगी, एक्सट्रीम डार्क साइड है तो जिस तरह से इसको क्लियर करना पड़े आप कर लीजिए, कलर बाहर नहीं निकलना चाहिए एंड डार्क का पार्ट एग्जैक्ट डार्क लगना चाहिए, इसलिए मैंने इसको थोड़ा आउटलाइन क्लियर कर लिया है। और फिर मैंने अपने आप फिर से स्क्रिबलिंग का जो मेरा टेक्निक है वो स्टार्ट कर दिया है। ये बहुत जरूरी है कि आपका कहीं पे भी पार्टीशन ना लगे, कहीं पे पैच अलग ना दिखे, किसी भी एक कलर का ज़्यादा यहाँ पे, क्योंकि पहले तो हमने किया वो सिंगल था तो वो इजी था। चलो, यहाँ पे हमें तीन तीन कलर यूज़ करने हैं, स्क्रिबलिंग भी नहीं छूटनी चाहिए एंड पैच भी नहीं दिखना चाहिए, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ लाइट टू डार्क का हमें इफेक्ट बहुत अच्छी तरह से दिखाना है। यहाँ पे हमने पेपर का वाइट नहीं छोड़ा है क्योंकि हमने लाइट के लिए येलो यूज़ किया है। देखो, अब मैं मिडल तक आ गई हूँ रेड को लेके, तो मैं स्टॉप करूँगी, मैं रेड को लाइट तक नहीं लेके जाऊँगी क्योंकि वो डार्क टोन है। ठीक है, हाँ, मैं ऑरेंज को लाइट तक एंड डार्क तक दोनों तक लेके जा सकती हूँ, एग्जैक्ट लाइट एंड तक नहीं, थोड़ा सा मर्जिंग के लिए हल्का सा यहाँ तक, और उसी तरह से हल्का सा लेफ्ट साइड में डार्क के ऊपर भी मुझे लेके जाना होगा ऑरेंज को, ताकि अच्छे से मर्जिंग हो जाए, शेडिंग अच्छी दिखे। देखिए, ये जो हम सीख रहे हैं ना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, आप बहुत बार इसकी प्रैक्टिस कीजिए। फर्स्ट बार आपको लगेगा कि नहीं आ रहा है, ये बहुत मुश्किल है, लेकिन इसकी बार बार प्रैक्टिस करने से ही आपकी फिनिशिंग बढ़ेगी, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। और ये सिर्फ डिज़ाइन में यूज़ होता है, ये नहीं है, आप इसको एक बार आपको ऑयल पेस्टल की ये स्क्रिबलिंग वाली मिक्सिंग का टेक्निक आ गया, उसके बाद आपको स्टील लाइफ एंड नेचर वगैरह चीज़ें ये सब करने में, उसकी शेडिंग करने में ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसलिए ये जो अभी मैं सिखा रही हूँ आपको, ये प्लीज़ बहुत अच्छी तरह से आप प्रैक्टिस करके रखिए। डिज़ाइन के बाद हम अगला स्टील लाइफ की तरफ ही जाने वाले हैं। देखिए, अभी आपको दिखाई दे रहा है कि ये बहुत अच्छे से मिक्स हो गया है, ठीक है ना। अभी और एक कलर हम देखेंगे यहाँ पे, ब्लैक एंड वाइट का हम करेंगे। सी, ऑलरेडी अपने पास पेपर का वाइट है, अब हम क्या करेंगे, ब्लैक, या फिर अगर ब्लैक को हम इस तरह से लेके जाएंगे तो ग्रे कलर स्कीम बन जाएगी। ठीक है, अभी यहाँ पे मैं आपको दिखा सकती हूँ कि ऐसे ही रैंडमली प्रैक्टिस के टाइम हमने लिया था, ग्रीन का भी करके देखा था, ठीक है, ब्लू का भी, रेड का भी, सिंगल सिंगल, ग्रीन का मैंने जैसे आपको बोला था कि आप येलो वगैरह यूज़ कर सकते हो, इस तरह से यहाँ येलो, लाइट ग्रीन एंड डार्क ग्रीन का यूज़ किया हुआ है। यहाँ पे अभी मैंने जैसे आपको बोला ग्रे कलर स्कीम का मैं
तो अब मैं उल्टा करूंगी, व्हाइट तो पेपर का ऑलरेडी है तो मुझे व्हाइट अलग से यूज करने की जरूरत है नहीं, इसलिए मैं अभी ओनली ब्लैक का है तो इसलिए इस साइड से मैं स्टार्ट कर रही हूँ, क्योंकि अगर ब्लैक यहाँ से स्टार्ट करूंगी तो शायद से ज्यादा वो डार्क भी हो सकता है, इसलिए मैं थोड़ा सा यहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ ताकि मेरे हाथ को थोड़ा सा रिदम मिल जाए। कलर को देखिए, मैंने हमेशा की तरह बहुत दूर ही पकड़ा हुआ है और हमें दिखता भी है कि हम क्या कर रहे हैं, अगर यहाँ पे पकड़े तो हमें दिखता नहीं है, देखो आंखों के नीचे उंगलियों के नीचे कलर छुप रहा है, कहाँ घूम रहा है नहीं दिखता है। दूर पकड़ोगे आपको आराम से कलर कहाँ से मूवमेंट हो रही है वो दिखाई देगा। एंड इसी तरह से हम थोड़ा सा कम ज़्यादा सर्कल में घुमाना है, थोड़ा सा छोटा पार्ट थोड़ा बड़ा पार्ट इस तरह से करते करते, इसको स्क्रिबलिंग कहते हैं याद रखिएगा। नेक्स्ट टाइम अगर मैं आपको बोलूं कि आप स्क्रिबलिंग टेक्निक यूज करो तो आपको ये पता होना चाहिए कि स्क्रिबलिंग टेक्निक किसे कहते हैं। यहाँ पे लाइट का एरिया है इसलिए मैंने यहाँ पे बहुत कॉन्सेंट्रेट करके कॉन्शियसली यहाँ पे मैंने छोड़ दिया है। बच्चे हमेशा यही गलती करते हैं कि इस साइड में अगर जाएंगे राइट के साइड में तो वो कॉन्स्टेंटली वहाँ पे ठीक ठीक करने के चक्कर में बहुत दफे कलर को घुमा देते हैं एंड वो डार्क हो जाता है। आपको छोड़ ही देना है उसको याद रख के, एंड यहाँ पे बहुत अच्छे से डार्क कलर देना है आपको, क्योंकि ये एक्सट्रीम साइड है डार्क की, एक्सट्रीम एंड है ना, ये एक्सट्रीम एंड लाइट का, ये एक्सट्रीम एंड है डार्क का। और फिर से अभी ऐसे ही नहीं छोड़ना है उसको, ऐसा नहीं दिखना चाहिए कि आपने स्ट्रिप से कलरिंग किया है, आपको इसको मर्ज करना है। हमने इसलिए यहाँ पे स्ट्रिप जैसा किया क्योंकि ये एंड है ना, कलर बाहर ना जाए इसीलिए, एंड वाइट भी ना छूटे। लेकिन इसको हम अच्छी तरह, जैसे रेड को हमने मर्ज किया स्क्रिबलिंग की टेक्निक में, उस तरह इसी को भी मर्ज करना है। ये इस तरह से हम मिक्सिंग कर रहे हैं, हमें बीच बीच में रुक के देखना चाहिए कि अपनी शेडिंग ठीक से हो रही है या नहीं। क्या होता है, हमेशा हम एक जगह पे देख के कॉन्स्टेंटली जब काम करते हैं तो हमें पता नहीं चलता, हम जज नहीं कर पाते ठीक से। हमें ज़रूरी है कि हमें बीच में थोड़ा ब्रेक लेके थोड़ा सा डिस्टेंस से देखना चाहिए कि अपना ड्राइंग शेडिंग बराबर आ रही है या नहीं। डिस्टेंस से देखिए या फिर आंखें थोड़ी छोटी अध खुली करके, आधी बंद एंड आधी खुली, ऐसे बारीक आंखें करके अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये स्लोली स्लोली डार्क टू लाइट गया है कि नहीं गया है। आप ज़रूर ट्राई कीजिए, ये ड्राइंग की स्पेशल टेक्निक है कि आपको आंखों को आधा खुला और आधा बंद, छोटी आंखें बारीक आंखें करके आपको चेक करना चाहिए होता है हमेशा, तब आपको ग्रेडेशन एंड ऑल वो सब जज आप कर पाते हो ठीक से शेडिंग का। ठीक है, अभी यहाँ तक तो आप समझ गए कि आपको कलरिंग किस तरह से करना है, लाइट टू डार्क किस तरह करना है, दो तीन कलर यूज करके किस तरह से करना है। अब मैं आपको कुछ सैंपल, अभी इस टेक्निक को हम जब ड्राइंग में यूज़ करेंगे तो वो किस तरह यूज़ कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे ऑलरेडी मैंने एक स्क्वायर बना के रखा था, उस पर मैंने, देखिए अभी कोई भी कॉर्नर हो उसको, एक कॉर्नर में हम डार्क से लाइट तक गए हैं, यहाँ पे भी डार्क से लाइट तक। अभी इसमें हमने क्या किया था कि नॉर्मल रेक्टेंगुलर शेप में लाइट टू डार्क गए हैं, इसमें शेप कोई भी हो सकता है, आप किसी भी कॉर्नर को पकड़ लो, मानो आपने ये कॉर्नर पकड़ लिया है तो मैं इस एक कॉर्नर को डार्क कर लूंगी,
एंड बाहर जाते हुए मैं लाइट करना स्टार्ट, अभी यहाँ पे कम जगह है इसलिए मैं इस तरह से मूवमेंट दे रही हूँ कलर को ताकि बाहर ना जाए, और आगे जाते जाते आप इस तरह से स्क्रिबलिंग करके देखिए, टेक्निक वही रखना है लाइट टू डार्क, बस शेप के हिसाब से आपको कलरिंग करना पड़ेगा, इतना ही डिफरेंस इसमें है जो कि बहुत अच्छा दिखता है। यहाँ पे शेप अलग अलग होंगे, कम ज़्यादा होंगे, इसलिए आपको थोड़ा और मुश्किलें बढ़ेंगी फिनिशिंग के लिए, लेकिन आप बड़ी आराम से काम करना, बिल्कुल जल्दबाजी मत करना ताकि आपकी ड्राइंग बहुत ही अच्छी बने। देखिए ड्राइंग में ये होता है कि कौन सबसे पहले ड्राइंग ख़त्म करता है इस पे उसकी क्वालिटी डिपेंड नहीं करती है, कौन सबसे अच्छा कंप्लीट करता है ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आप सबसे पहले काम ख़त्म कर रहे हो और आपका सब कलर स्प्रेड हो गया है, बाहर निकल गया है, शेडिंग अच्छी नहीं है, तो उसके कोई मायने नहीं रहते। देखो यहाँ पे अभी कर लिया, अभी एक ध्यान में रखना, एक बार एक कलर हाथ में ले लिया तो आप डिस्टेंस पे उसको यूज़ कर लेना, बस ये कि यहाँ पे यूज़ किया तो आप डायरेक्टली यहाँ पे नहीं यूज़ करो, है ना, बाजू बाजू में यूज़ करोगे तो वो फिर एक ही पूरा बन जाएगा ना शेप। यहाँ पे किया है आप थोड़ा दूर कहीं तो करो, मैं सोच रही हूँ कि मैं इस छोटे बॉक्स में कर लूँ क्योंकि वो काफ़ी दूर है। और एक कलर लिया, फिर अभी ब्लू उठाया, फिर रेड उठाया, फिर येलो, ऐसे नहीं करना है। अभी हाथ में ब्लू है तो चार पांच अच्छी जगह पे आप ब्लू को यूज़ कर लो, इससे क्या होता है बैलेंस बना रहता है, क्योंकि आप एक सब कलर साथ में उठाओगे तो आपको अंदाज़ा नहीं आएगा कि सब कलर अच्छे से साथ में जा रहे हैं कि नहीं। अब ब्लू मैंने लिया तो मैं ब्लू यहाँ पे लगाऊंगी, यहाँ पे लगाऊंगी और चार पांच अलग दूर दूरी पे लगाऊंगी, जैसे मैंने ऑलरेडी रेड को लगा रखा है, ग्रीन को लगा रखा है। इस तरह से आप कंप्लीट करते करते ये ड्राइंग बहुत अच्छी बन जाएगी, है ना, फिर आपको पता भी चलेगा। एक चीज़ है कि आप यहाँ पे अगर लगाए सब कलरिंग होने के बाद ऐसे होता है कि कुछ जगह बच जाती है जहाँ पे कौन सा कलर दूँ समझ में नहीं आता है, तो एक मैं आपको बताऊँगी क्रॉस कलरिंग चलता है, मतलब अगर सब खत्म हो गया है, देखे अभी दो ही बचे हैं, यहाँ पे ब्लू है तो आप उसके क्रॉस में यहाँ पे ब्लू लगा सकते हो, क्योंकि ये अपोजिट है ना, चिपका नहीं है ये शेप उसका, अपोजिट है तो ये चल सकता है एक टाइम, लेकिन यहाँ ब्लू है तो यहाँ पे नहीं ब्लू चल सकता, यहाँ पे नहीं चल सकता, ठीक है, यहाँ पे या फिर यहाँ पे चल सकता है, इन दोनों में ब्लू दे दिया ये नहीं मैं कह रही, यहाँ पे ब्लू है तो यहाँ आप दे सकते हो, नहीं तो यहाँ दे सकते हो, क्योंकि इन दो ब्लू के बीच में ये गैप आ रहा है, ठीक है, ये बस ध्यान में रखते हुए इस तरह से आप कलरिंग कर सकते हो। एंड जैसे कि हमने स्क्वायर में पार्टीशन बना के कलरिंग किया हुआ है, उसी तरह से आप देखो यहाँ पे गणेशा मैंने बनाया हुआ है, रैंडमली एक शेप बनाया है ओनली उनके फेस का, उनकी सूंड है एंड कान है, बस आंखों को शेडिंग किया हुआ है, यहाँ पे ओनली रिदमिक लाइंस हमने ड्रॉ किया है रैंडमली, ये ध्यान में रखते हुए कि कहीं एक जगह पे बहुत छोटे टुकड़े ना बने और कहीं पे बहुत बड़ा नर है। इस तरह से करने के बाद जैसे मैंने आपको यहाँ शेडिंग सिखाया है, इस टाइप के टेक्निक का यूज़ करके यहाँ पे भी शेडिंग किया है, कोई भी एक कॉर्नर हम डार्क पकड़े, कोई भी लाइट पकड़े, वो आपकी मर्जी है, ठीक है, बस एक ध्यान में रखना है, एक कलर एक बार उठाया वो दूरी दूरी पे पूरी जगह पे स्प्रेड हो गया, ये नहीं कि ओनली कान में रेड देके रखा है और सूंड के एंड में ओनली ब्लू देके रखा है, ऐसे नहीं करना, आपको हर कलर को हर जगह पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया है एंड आप इस टेक्निक को यूज़ करते हुए अलग अलग पॉट में डिज़ाइन बना सकते हो, टेबल टॉप पे डिज़ाइन बना सकते हो, हैंकी के लिए डिज़ाइन कर सकते हो, किसी भी चीज़ पे आप इस तरह से बटरफ्लाई, फ्लावर्स, ट्रायंगल, सर्कल, जो भी चीज़ें आप ओवरलैप करोगे उससे टुकड़े बनेंगे, वो डिज़ाइन इस तरह से कलर करोगे तो बहुत अच्छा दिखेगा, ठीक है। आई होप आपने एंजॉय किया और प्लीज़ प्रैक्टिस करो, बाय। अब तक आपने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर ले ताकि नए नए मेरे टेक्निक्स आपको सीखने मिले, और लाइक ज़रूर करना।